चाणक्य नीति कहती है कि कलम, पुस्तक और स्त्री अगर दूसरों के हाथ में चली गई तो उसे गवाही ही समझे, लेकिन अगर किस्मत के भरोसे वो चीजें लौट आई तब भी उनकी हालत नष्ट और भ्रष्ट की स्थिति में होती है। ठीक इसी प्रकार चाणक्य नीति हमें यह भी बताती है कि तेज बहाव वाली नदी के किनारे लगने वाले वृक्ष, दूसरों के घर में रहने वाली स्त्री और बिना मंत्रियों के राजा, ये तीनों चीजें बहुत ही जल्द बर्बाद हो जाती है।